हाई प्रायोरिटी टॉपिक है जनरल इंश्योरेंस कंपनी मेमोरी टेक्निक्स के साथ अच्छे से करेंगे अपन लोग। लाइफ इंश्योरेंस पहले से ही डाल रखा है तो जाके एक बार देख लेना। सर ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन नंबर वन क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम यानी कि प्रीमियम का पैसा जो कि कंपनी को मिला नहीं है और एजेंट को जो मेरे को पैसा देना है ना वो भी तक कंपनी ने दिया नहीं है, वो दोनों आउटस्टैंडिंग है तो कैसे वेरीफाई करना है? देखो सर अंडरलाइन मैंने कर रखा है मेमोरी टेक्निक ये बी है ना इसीलिए, यानी ये बी है ना बाघा का बी और इधर देखो बैलेंस का बी ऐसे है। और एक और मेमोरी टेक्निक आपको बता दूंगा, पहली क्या है मेमोरी टेक्निक बाघा बावरी भीड़े एज कलेक्शन। सर क्या बोल रहा है? देखो सर सबसे पहले है ना आपको इंक्वायर करना है इनटू रीजन फॉर रिटेनिंग ओल्ड बैलेंस, यानी कि जो ओल्ड बैलेंस इतनी देर से चलता आ रहा है आउटस्टैंडिंग है उसका रीजन मेरे को पता करना है। एग्जामिन मेरे को करना है कोई भी इनऑपरेटिव बैलेंस है और ट्रीटमेंट क्या है ओल्ड बैलेंस का। इनऑपरेटिव बैलेंस यानी कोई ऐसा खाता है जो कि बहुत टाइम से इनऑपरेटिव है उसका मेरे को रीजन पता करना है। स्क्रूटिनाइज करना है मेरे को, रिव्यू करना है कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और उसका नेचर। फिर चौथा क्या है ना मेरे को एज वाइज और सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का, यानी कि कौन सा पैसा कितने टाइम से ड्यू पड़ा हुआ है। वेरीफाई मेरे को करना है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का, मतलब वेरीफाई इफ आउटस्टैंडिंग प्रीमियम हैव सिंस बीन कलेक्टेड, यानी कि कब तक, मतलब फॉर एग्जांपल कितने टाइम ड्यूरेशन से वो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मेरा बाकी में पड़ रहा है। तो एक आपका मेमोरी टेक्निक है बाघा बावरी भीड़े एज कलेक्शन, दूसरा आपका मेमोरी टेक्निक क्या है ना ओल्ड बैलेंस, इनऑपरेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। सर समझ रहे हो इसमें क्या आया? सर इसमें आया है ओल्ड बैलेंस, देखो सर इधर क्या आ रहा है इनऑपरेटिव बैलेंस, इधर क्या आ रहा है डेबिट बैलेंस, और इन दोनों में क्या आ रहा है सर एक वर्ड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। ये आपका दूसरा मेमोरी टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है ना वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस आउटवर्ड, थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम है अभी। सुन लो सर मेमोरी टेक्निक क्या है बीबीसीसीसी, क्या बोल रहा है ना सर री इंश्योरेंस आउटवर्ड। सर री इंश्योरेंस क्या होता है ना, यानी कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ और मैंने जो मेरी रिस्क है ना, यानी इंश्योरेंस कंपनी वो रिस्क लेती है आप लोगों का, यानी कि आपको अगर कुछ भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल जनरल इंश्योरेंस है तो जनरल इंश्योरेंस के केस में अगर कोई भी लॉस होता है पॉलिसी होल्डर को तो मैं इंश्योरेंस कंपनी में आपको देता हूँ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर देती है उसको मैं बोलता हूँ री इंश्योरेंस। अभी चीजों को आप याद कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी अर्जेंसी का मामला है। सर सुन लो बीबीसीसीसी सर सुन लो क्या करना है, रिव्यू करना है मेरे को इंडिविजुअल अकाउंट को, फाइंड इफ एनी बैलेंस रिक्वायर्स राइट ऑफ, यानी मेरे को ये देखना है कि राइट ऑफ की जरूरत है कि नहीं कोई अकाउंट में। वेरीफाई करना है बैलेंस विद री इंश्योरर इज सपोर्टेड बाय नेसेसरी कंफर्मेशन, यानी मेरे को देखना है कि री इंश्योरर को मैंने नेसेसरी कंफर्मेशन दे दी है कि नहीं, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है कि नहीं। उसके बाद मेरे को देखना है एग्जामिन इफ कैश लॉस रिकवरी क्लेम्ड एंड अकाउंटेड ऑन रेगुलर बेसिस, मेरे को देखना है कैश लॉस रिकवरी का अकाउंटिंग रेगुलर बेसिस पे हुआ है कि नहीं। उसके बाद सेशन, सर सेशन क्या होता है ना री इंश्योरेंस में जब मैं रिस्क ट्रांसफर करता हूं उस चीज को सेशन बोलता हूं। चेक करना है मेरे को सेशन जो है ना स्टिपुलेशंस के हिसाब से है कि नहीं, स्टिपुलेशन यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है कि नहीं, जो कि वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिस्क की टर्म्स एंड कंडीशंस है। दूसरी बात मेरे को चेक करना है कि सेशन जो है ना वो एग्रीमेंट में है कि नहीं विद वेरियस कंपनीज, यानी कि अलग अलग मेरी कॉम्पिटेटर कंपनीज के हिसाब से सेशन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ वेरीफिकेशन ऑफ क्लेम्स, क्लेम्स यानी कि जो कंपनी को पैसा देना है ना उसको मैं बताऊँ क्लेम्स। मेमोरी टेक्निक के बैलेंस शीट में कंटिजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन बुक किया ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। देखो सर सबसे पहले मेरे को क्या देखना है ना, चेक करना है कोई भी इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट कंसिडर हुए कि नहीं, यानी 31 मार्च के बाद के इवेंट कंसिडर हुए कि नहीं पहली बात। चेक करना है मेरे को प्रोविजन मेड इज नेट ऑफ पेमेंट्स मेड ऑन अकाउंट टू पार्टीज, यानी कि जो प्रोविजन है ना मेरा वो ग्रॉस में नहीं बनना चाहिए नेट ऑफ पेमेंट होना चाहिए, यानी कि प्रोविजन माइनस पेमेंट जाना चाहिए। तीसरा वेदर सच पेमेंट्स आर बुक्ड टू क्लेम्स, यानी कि क्या ये जो पेमेंट्स है ना वो मैंने क्लेम्स अकाउंट में डाले हैं या नहीं डाले। चौथी बात चेक दैट नो कंटिजेंट लायबिलिटी इज कैरिड फॉर क्लेम इंटीमेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इशूड, देख लेना कि कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटी तो नहीं है ना हमारी ये जो पॉलिसीज है उसके रिलेशन में। उसके बाद क्या मेरे को चेक करना है, चेक इफ क्लेम्स आर प्रोवाइडेड फॉर नेट ऑफ एस्टिमेटेड सैलवेज, यानी कि क्लेम्स कंपनी देगी और सैलवेज वैल्यू लेगी तो वो नेट हुआ है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स पेड, सर व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स पेड, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना वो आपको कब लिखना है अगर तो खाली क्लेम्स या क्लेम्स प्रोविजन पूछा हो। इधर क्या लिखना है ना, इधर आपने को लिखना है क्लेम्स पेड, यानी कि जब कंपनी ने क्या दिया है सर क्लेम्स का पैसा दिया है। मेमोरी टेक्निक देख लो 30 डेज में पार्शल शेयर सेंक्शन होकर डिस्चार्ज हो गया। सर 30 डेज चेक करना है अगर तो पेमेंट मेड विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ लास्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि जब भी कंपनी वेरिफिकेशन करती है तो जब आखिरी डॉक्यूमेंट मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। चेक इफ पेमेंट मेड अगेंस्ट क्लेम्स पार्शली सेटल्ड आर वाउच, यानी कि मेरे को चेक करने के पार्शल क्लेम्स जो है उनका वाउचिंग बराबर हुआ है कि नहीं। इन केस ऑफ को इंश्योरेंस चेक इफ क्लेम्स पेड हैव बीन बुक्ड ओनली फॉर कंपनी शेयर एंड बैलेंस डेबिटेड टू अदर इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि अगर एक बंदे का इंश्योरेंस दो कंपनियां कर रही है तो मेरे को देखना है कि मैंने खाली मेरे हिस्से का ही क्लेम पे किया है। उसके बाद चेक इफ क्लेम्स पेड आर ड्यूली सेंक्शन बाय अथॉरिटी एंड एक्नॉलेज बाय क्लेमेंट्स, यानी देखना है कि जो मेरी ऊपर की अथॉरिटी इरडा मेरी ऊपर की अथॉरिटी होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी उसने सेंक्शन किया कि नहीं। और इन फाइनल सेटलमेंट चेक करना है अगर तो क्लेमेंट हैज गिवन अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट, जो मेरा क्लेमेंट है ना क्लेमेंट बोले तो जो मेरा पॉलिसी होल्डर है वो मेरे को एक अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट देता है, वो मेरे को देखना है कि अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट उसने दिए कि नहीं दिए। अब कमीशन जो भी मैं मेरे एजेंट को पे कर रहा हूं उसमें मेरे को क्या इंश्योर करना है, सबसे पहले तो कमीशन जो है वो इरडा के लिमिट्स के हिसाब से, दूसरी बात कमीशन इज पेड टू एजेंट टू सॉलिसिटेड बिजनेस, यानी कमीशन में उसी एजेंट को दे रहा हूं जिसने पॉलिसी बेची है, वो एजेंट है ना इरडा ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है, कमीशन आउटगो मैंने अच्छे से अकाउंटिंग किया है उसका और वो इरडा के रेट्स के हिसाब से कमीशन में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ रजिस्टर और रिकॉर्ड्स आपको कौन से रखने पड़ते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, याद करना पड़ेगा आपको एक क्वेश्चन इजी है, क्लेम्स इंटीमेशन रजिस्टर, क्लेम्स पेड रजिस्टर, क्लेम डॉकेट्स, क्लेम डिसबर्समेंट बैंक बुक्स,
साल्वेज रजिस्टर दो तीन बार पढ़ लो, वीडियो को पीछे घुमा के ऐसा याद कर लो, याद आ जाएगा आपको। क्लेम एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज वाले क्वेश्चन के लिए आंसर 3 और आंसर 4 दोनों लिख दो। सर फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस होता है, री इंश्योरेंस जैसा कि मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, रिस्क किसी और को दे देती है। तो ये कब होता है, जब एक पर्टिकुलर रिस्क होता है और हर एक रिस्क को हम सेपरेटली कंसिडर करते हैं, एक ग्रुप में कंसिडर नहीं करते। इंडिविजुअल नेगोशिएशन होता है हर ट्रांजेक्शन के लिए, उधर काम भी ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। कब यूज होता है सर, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। सर समझो कब इसको यूज करते हो, ऑटोमेटिक कवर्स जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इंश्योरर हैज नो ऑटोमेटिक कवर एट डिस्पोजल। देखो सर इधर तालमेल बिठा लिया है, दोनों पॉइंट ऑटोमेटिक कवर के लिए, इंश्योरर के पास ऑटोमेटिक कवर नहीं है और ऑटोमेटिक कवर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है सर। उसके बाद सर 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 ये सिस्टम आज थोड़ा हैंग हो रहा है, बस चला लो यार। सर सुन लो, रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रीटीज, रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रीटीज और इंश्योरर डज नॉट वांट री इंश्योरेंस ट्रीटी ओवरबर्डन विद हेवी रिस्क। तो इधर देखो सर, ये दोनों रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, इधर भी मैं क्या बोल रहा हूँ रिस्क एक्सक्लूड होगा, इधर भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि रिस्क जो है ना हेवी रिस्क वाली चीजें क्या होंगी सर, एक्सक्लूड होगी। और पांचवा पॉइंट क्या है सर, टेक्निकल गाइडेंस और कंसल्टेशन विद री इंश्योरर इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, यानी कि हर एक स्टेज पर मेरे को टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत है। सर ये आंसर याद नहीं हो रहा है, देखो सर ये चीज तो आपको रट्टा माननी पड़ेगी। कैसे मारोगे, ये दोनों आपने ऑटोमेटिक का तालमेल बिठाना है, ऑटोमेटिक कवर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इंश्योरर हैज नो ऑटोमेटिक कवर एट डिस्पोजल। उसके बाद रिस्क यहाँ पे एक्सक्लूड हो गई और इधर भी बोला कि हैवी रिस्क मेरे को नहीं चाहिए और इधर टेक्निकल गाइडेंस मेरे को चाहिएगी हर एक स्टेज पे, ठीक है। तो आपको ऐसे ये पांच पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल ट्रीटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल ट्रीटी, इतना ध्यान रखो कि प्रोपोर्शनल ट्रीटी कब होगा ना, जब प्रोरेटा अपोर्शनमेंट होगा। सर पी फॉर प्रोपोर्शनल, पी फॉर प्रोरेटा, ऐसे आपने याद रखना है। फर्दर क्लासिफिकेशन अगर मैं इसकी करूँ ना, तो यह कोटा शेयर ट्रीटी, ऑटो फैक्ट्रीटी और सरप्लस ट्रीटी। सर इसको कैसे याद रखना है, सर कोटा है ना, कोटा, कोटा फैक्ट्री वाला कोटा, ठीक है, पर उसका के ओ टी ए था, ये कौन सा है, क्यू यू ओ टी ए। कोटा में मैंने ऑटो पकड़ी और ऑटो वाले को मैंने सरप्लस पैसे दे दिए, ऐसे आपको इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाओ फटाफट से नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी पे। सर व्हाट इज नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी, तो नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी में क्या होगा ना, लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन सीडिंग कंपनी एंड री इंश्योरर ऑन द बेसिस ऑफ लॉस। सर सीडिंग कंपनी वो कंपनी है जो कि अपने रिस्क को ट्रांसफर करती है और री इंश्योरर कंपनी वो कंपनी है जो कि वो रिस्क को लेती है, ठीक है, समझ आ रहा है, तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारो आगे बढ़ो। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होगा सर, सुन लो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी, स्टॉप लॉस ट्रीटी, एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन प्रिवेंट बेसिस, एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन नॉन प्रिवेंट बेसिस। तो देखो अपने एक्सेस ऑफ लॉस वाले तीन है सर और स्टॉप लॉस वाला एक है, और ये भी देखो एक प्रिवेंट वाला एक नॉन प्रिवेंट बेसिस वाला, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है सर, मेमोरी टेक्निक है पगजी सरो। सर पगजी सरो कैसे याद रखें, पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट। सर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट लिया दस रुपए का, उसका मान लो दस रुपए का शेयर है, मैंने छह पेड अप किए हैं, चार अभी बाकी है, तो वो पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट मेरा कंटिंजेंट लायबिलिटी है। उसके बाद अंडर राइटिंग कमिटमेंट, मेरा कोई आउटस्टैंडिंग है जैसे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर करता हूं, उसमें मेरा कोई पैसा देना बाकी है, वो आ जाएगा इसमें। क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, यानी कि कोर्ट में केस चल रहा है किसी क्लेम्स का, वो वाले। उसके बाद आता है गारंटीज बाय कंपनी, कंपनी ने कोई गारंटी दी है लेकिन पता नहीं है कि वो गारंटी मैच्योर होगी या नहीं होगी, इसलिए वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। स्टैट्यूटरी डिमांड नॉट प्रोवाइडेड, री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशंस और अदर्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे, पगजी सरोज की मेमोरी टेक्निक है। उसके बाद आ जाओ सर एबीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने पॉलिसी इशू करी 1 अगस्त को, प्रीमियम उसको मिला है 20 अगस्त को और आग लग गई है 10 अगस्त को। मैं बोल रहा हूँ कोई भी रिस्क नहीं आएगा इंश्योरर का जब तक कि उसको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। प्रीमियम मेरे को मिल सकता है या तो डायरेक्ट बिजनेस यानी कि मैंने डायरेक्टली प्रीमियम ले लिया है मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, दूसरा री इंश्योरेंस बिजनेस से, यानी कि मैं क्या हूँ री इंश्योरर हूँ, मेरे को किसी सीडिंग कंपनी ने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया, यानी कि मेरे को वाया वाया मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, और तीसरा क्या है शेयर ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि हम दो जने हैं, हम दो इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर क्या किया ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है। कोई भी केस हो ना सर, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे क्लेम, नो प्रोविजन फॉर क्लेम मेड। क्यों नहीं होगा सर, अगर आप देखो ध्यान से, तो फायर लगी है 10 अगस्त को, प्रीमियम मिला है 20 अगस्त को, तो प्रीमियम जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मेरा कोई भी रिस्क नहीं मैं एज्यूम करूंगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना है, क्योंकि फायर कब लगी थी 10 अगस्त को और भाई ने प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम कब रिसीव किया था 20 अगस्त को, तो क्योंकि फायर पहले लग गई थी तो इंश्योरेंस कंपनी की कोई गलती नहीं है। सॉल्वेंसी मार्जिन वाला क्वेश्चन एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत काम का है। एवरी इंश्योरर और री इंश्योरर हैज टू मेंटेन एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी का जो भी है ना वो कितना आना चाहिए सर, मिनिमम 50% ऑफ मिनिमम कैपिटल आना चाहिए। खाली ईयर एंड पे ये मेंटेन आपने नहीं करना है, पूरे साल भर में आपने ये मेंटेन करना है। अगर तो नहीं कराना ऐसा तो तीन चीजें हो जाएगी, क्या सर, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फाइनेंशियल प्लान आपको अथॉरिटी को देना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन टू करेक्ट डेफिशिएंसी, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये डेफिशिएंसी को कैसे करेक्ट करूंगा, मैंने 50% मेंटेन नहीं करा तो अब मैं इसको कैसे करेक्ट करूंगा, और इंश्योरेंस कंपनियों में इंसॉल्वेंट मान लूंगा और वो वाउंड अप हो जाएगी, यानी कि वो बंद हो जाएगी, उस पर ताला लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है सर, इसका मेरे को लग रहा है कि एक शॉर्ट नोट आ सकता है, कभी आईसीआई
को अगर लगा तो। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? सर ये कंडीशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसमें अंडरलाइंग होता है, तो वैसे ही इसमें क्या होता है ना सर, ये अंडरलाइंग इसमें होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये एक क्या होता है सर कंडीशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। इसके बेसिक प्री रिक्वायस्ट क्या है सर, मेमोरी टेक्निक देख लो, लॉस एफएमबी फैक्टरिंग कस्टमर प्रीमियम अदर। सर लॉस समझ लो सर, पॉलिसी होल्डर है ना यानी कि जिसने पॉलिसी ले रखी है उसका लॉस क्या है ना कि जो देखो नॉन रिसीट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इन ट्रेड ऑफ गुड और सर्विस, यानी कि गुड्स और सर्विस जब मैंने बेचे ना तो मेरे को पैसा आया नहीं, ये पॉलिसी होल्डर का क्या है सर लॉस है। पॉलिसी होल्डर इस केस में क्या है, सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज का और वो फेयर मार्केट वैल्यू पे क्या करेगा सर, गुड्स को बेचेगा। इधर है ना कोई भी फैक्टरिंग अरेंजमेंट नहीं होता है सर, ठीक है। उसके बाद सर समझ लो पॉलिसी होल्डर है कस्टमर लायबल टू पे ट्रेड रिसीवेबल टू पॉलिसी होल्डर, यानी कि क्या बोल रहा हूं, पॉलिसी होल्डर है ना उसके पास एक कस्टमर रहेगा जो कि क्या करेगा पॉलिसी होल्डर को पैसा देगा, लायबल टू पे ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जो क्या देगा सर पॉलिसी होल्डर को पैसा देगा, और जब पॉलिसी होल्डर के पास पैसा नहीं आएगा तभी तो वो उसका लॉस होगा। मैंने बोला था ना पॉलिसी होल्डर क्या है इधर सप्लायर ऑफ गुड्स है, यानी कि पॉलिसी होल्डर चीजें बेचेगा उसका लॉस कब होगा, जब उसको उस चीजों का पैसा नहीं आएगा, ठीक है। पॉलिसी होल्डर अंडरटेक्स टू पे प्रीमियम फॉर एंटायर पीरियड, पॉलिसी होल्डर तो जाहिर सी बात है वो प्रीमियम पे करेगा और अदर रिक्वायरमेंट इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। देखो सर ऑल पॉलिसीज है ना उनका एनुअल रिन्यूअल होता है, मान लो एक डेट मैंने ले ली 31 मार्च को सारी पॉलिसी का रिन्यूअल हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड पॉलिसीज का नहीं होता है क्योंकि वो होती है 2-4-6 महीने के लिए। अब सारी की सारी पॉलिसीज है ना सेम डेट को एक्सपायर नहीं होती, कोई किसी डेट को होती है कोई किसी डेट को होती है, तो क्लोजिंग डेट पे यानी कि 31 मार्च को हो सकता है कि कोई जो मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी वो अनएक्सपायर्ड हो, तो ऐसे केस में कितना डिडक्शन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को, एमसीक्यू पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। फायर और मिसेलेनियस बिजनेस के केस में 50% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस मरीन यानी कि पानी वाले केस में 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम, बहुत जरूरी है सर बहुत जरूरी है, आपको एमसीक्यू में टेस्ट करेंगे। ऑडिटर का रोल क्या है, वो वेरीफाई करेगा कलेक्शन बाय एजेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी कि वो देखेगा कि बैलेंस शीट डेट के बाद 31 मार्च के बाद क्या एजेंट ने कुछ पैसा कलेक्ट किया है। क्यों हमको बैलेंस शीट डेट देखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग डेट पे हमको क्या देखने सर, हम लोग क्लोजिंग डेट पे क्या देख रहे हैं, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व देख रहे हैं, इसलिए हमको इधर बैलेंस शीट के बाद देखना है कि बैलेंस शीट डेट के बाद 31 मार्च के बाद कोई कलेक्शन आया है कि नहीं, और उसके बाद क्या देखना है ऑडिटर को वेरीफाई दैट प्रीमियम रिकॉर्डेड ग्रॉस, यानी कि जो भी प्रीमियम है वो ग्रॉस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, नेट पे रिकॉर्ड वो नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी पॉइंट आ जाओ सर, जो मेरे विदेशी इन्वेस्टर है ना वो होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम 49% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। अब मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है सर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का 100 करोड़, लेकिन इसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमको इंक्लूड नहीं करना है। मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो कितना है 150 रुपया, 150 रुपया नहीं सर 150 टका, कचरा सेट वाला मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो कितना है कचरा सेट वाला 150 टका। शेड्यूल ए इंश्योरेंस एक्ट का, शेड्यूल बी इंश्योरेंस एक्ट का, शेड्यूल सी, देखो सर शेड्यूल ए जो है ना उसमें लाइफ इंश्योरेंस आता है, शेड्यूल बी में क्या आते हैं जनरल इंश्योरेंस आते हैं, और शेड्यूल सी में ऑडिट रिपोर्ट आती है, दोनों की इंपॉर्टेंट है सर एमसीक्यू पर्पस के लिए। ऑडिटर की बात करूं तो देखो सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करेगा कैग, और अदर्स के केस में मेंबर्स करेंगे एजीएम में। जॉइंट ऑडिट होता है वो मैंडेटरी होता है, एक ऑडिटर मैक्सिमम 3 इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए और 2 से ज्यादा जनरल इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारो एप्लीकेबल नहीं होता है हमारी इंश्योरेंस कंपनी को। री इंश्योरेंस के टाइप्स बता दो सर, ये भी आ सकता है हमारे एमसीक्यू में सर, कौन से, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, ट्रीटी री इंश्योरेंस, उसमें भी दो तरह के, प्रोपोर्शनल ट्रीटी और नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 18 पे जो फटाफट से अदर क्वेश्चन सर, ये ना मॉड्यूल में बहुत सारा कचरा पेटी दिया हुआ था, मैंने बोला भैया एकदम शॉर्ट करके देते हैं, जो भी रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खाली इतना देख लो कि काम चल जाएगा। रियल एस्टेट सर, रियल एस्टेट में क्या देखना है सर, इंपेयरमेंट देखनी है मेरे को 31 मार्च पे कि मेरा जो बिल्डिंग है मान लो वो मेरा इंपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। गेन और लॉस मेरे को किधर डाल देना है सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व डाल देना है, और बेसिस फॉर रिवैल्यूएशन मेरे को नोट्स में बता देना है कि किस बेसिस पर मैंने रिवैल्यूएशन किया है। देखो सर ट्रेडेड लिस्टेड सिक्योरिटीज जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड होती है मेरे को मेजर करनी है फेयर वैल्यू पे हर 31 मार्च को। फेयर वैल्यू बोलते लोएस्ट ऑफ लास्ट कोटेड क्लोजिंग प्राइस, यानी कि जो शेयर मार्केट में वो क्लोजिंग प्राइस थी ना उसमें से लास्ट कोटेड में लोएस्ट कौन सी थी सर, मतलब हाईएस्ट वाली नहीं लेनी है लोएस्ट वाली लेनी, बस इतना याद रखना है आपने, हो सकता है एमसीक्यू में टेस्ट करने। इंपेयरमेंट मेरे को इधर भी देखना है सर, हर एक बैलेंस शीट डेट पे अनरियलाइज्ड गेन और लॉस में ट्रांसफर करूंगा इक्विटी में अंडर फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज यानी कि थिनली ट्रेडेड और नॉट एक्टिवली ट्रेडेड, यानी कि जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड नहीं है उसका मेरे को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर करना है सर, और मेक करना है प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू, यानी कि उसका दाम घटेगा तो मेरे को उसका प्रोविजन बना देना है। ये था मेरा क्विक रिविजन ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे, लाइफ इंश्योरेंस भी देख लेना, ये दोनों हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में मैंने डाले हैं, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैंग हो गया वापस से मेरा सिस्टम, अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।